डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने 1D में जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो Day 1 और Day 2 में देख लिए, और जितने भी रिलेटेड थ्योरेटिकल पॉइंट थे अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल ग्राफ के या फिर और मोशन अंडर ग्रेविटी के. सो आई होप आप लोगों ने दोनों डेज को बहुत केयरफुली स्टडी किया होगा, और दोनों डेज को केयरफुली स्टडी करने के बाद आज हम लोग Day 3 में देखेंगे एक्सरसाइज बेस्ड ऑन वन डायमेंशनल मोशन. वन डायमेंशनल मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन में आज हम लोग देखते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट नेशनल लेवल के एग्जाम में आए हुए, और वो क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं. तो 1D मोशन Day 3, दैट मींस एक्सरसाइज ऑफ 1D मोशन. आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. यहां पर गिवन है व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवोल्यूशन, मतलब आधा चक्कर कोई व्हील है वो घूमता है ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड. द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, मतलब जो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. आइए देखते हैं, यहां पर हमको सपोज इस टाइप से गिवन है एक व्हील, और ये व्हील का इनिशियली कॉन्टेक्ट पॉइंट था, और इसके बाद जब व्हील ये रोटेट कर रहा था इस डायरेक्शन में, तो ये रोटेट करते हुए अल्टीमेटली जब आधा राउंड घूम जाता है तो ए डैश पहुंच जाता है टाइम पे. अब ए डैश पहुंच जाता है टॉप पे. अब अगर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करता तो हम लोग कितना डिस्टेंस कहते हैं ट्रेवल कर रहा है, 2πr. पर इसने आधा चक्कर घूमा है, इसका मतलब ये पॉइंट यहां आया होगा या ये यहां आया होगा, तो अल्टीमेटली ये कितना चला जाता है, πr. πr डिस्टेंस तो हॉरिजॉन्टल हो गया. इसके बाद में देखें तो इसका रेडियस है हमारे पास r, और ये भी है r, तो ये हो गया डायमीटर जो कि 2r. हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है दिस वन जो कि डिस्प्लेसमेंट है, a डैश कैलकुलेट करना है. आइए देखते हैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो पॉइंट कॉन्टेक्ट में था विद द ग्राउंड उसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, a डैश पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, और दैट विल बी रूट ऑफ पाई आर होल स्क्वायर प्लस 2r होल स्क्वायर, एंड दैट कम्स एज इक्वल्स टू r रूट के अंदर पाई स्क्वायर प्लस 4, बट रेडियस गिवन है 1 मीटर, सो दैट कम्स एज पाई स्क्वायर प्लस 4 इनसाइड द रूप, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर सी. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन a1. आफ्टर 2 seconds अनदर बॉडी b स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन a2. If they travel equal distance in fifth second, mind it, after the start of A, then the ratio of A1 is to A2 will be. Ames 2001 में ये क्वेश्चन आया था. आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर distance traveled in fifth second for first body, and that is the distance traveled in third second. क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि दूसरा body 2 second बाद start हुआ था, तो वो उसका जो पहले body का fifth होगा, तो दूसरे बॉडी का वो थर्ड सेकेंड होगा. दैट मीन्स S5 इक्वल टू S3. सो SNH के लिए फॉर्मूला होता है, या TH सेकेंड के लिए U प्लस हाफ ए 2N-1. इसका मीनिंग है यहां पर S5 के लिए आ जाएगा, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है 0, 9/2 A1, एंड नाउ वी कैन से फॉर थर्ड सेकेंड के लिए देखें तो ये आ जाता है 5/2 A2. दोनों ऑब्जेक्ट दोनों बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, अब वो बोल रहा है दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को इक्वेट कर दिया और A1/A2 मिल जाता है. A1/A2 is 5:9 या 5/9, so correct answer of this question is given by C. Now move to the next question. ये क्वेश्चन केरला 2011 का है, थर्ड क्वेश्चन. पार्टिकल इज मूविंग विद द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन ए बी. इफ यू वी आर वेलोसिटीज एट A and B, मतलब एक initial velocity, एक final velocity A, then its velocity at the midpoint C will be. So midpoint पर velocity calculate करना है. आइए देखते हैं इस question को. First of all अगर हम देखें, so यहाँ U से start करके यहाँ पर let velocity B हो जाता है, और ये midpoint है. अगर ये total A और B के बीच का gap S है, तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक S/2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक भी ये S/2 हो जाएगा. आइए देखते हैं, पहले हम AC के लिए अगर हम देखें, तो AB में जैसे हमको दिया हुआ टोटल S, तो AC के लिए फॉर्मूला यूज करें. पहले हम टोटल के लिए एक फॉर्मूला यूज कर देते हैं. A टू B के लिए क्या होगा, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS. एक इक्वेशन तो हमको ये मिल जाता है. देन अगर हम देखें यहां से, तो AS की वैल्यू एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ये बन जाता है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाय 2. ये टोटल A टू B,
यानी टोटल एस डिस्टेंस के लिए है। अब हम वन बाय वन देखेंगे, तो पहले हम देखते हैं वी सी बी द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट सी, यानी मिड पॉइंट सी पर वेलोसिटी को हम लोग यहां पर एज्यूम कर रहे हैं कि सी पॉइंट पर वेलोसिटी होगा वी सी। इसका मतलब ए से सी के बीच में जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगा वो वी सी होगा, इनिशियल वेलोसिटी यू होगा। तो यहां पर हम अगर इक्वेशन यूज करते हैं वी सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए, और डिस्टेंस क्या हो गया एस बाई टू, देन इसके बाद में हम देख सकते हैं वी सी स्क्वायर इक्वल टू नाउ यू स्क्वायर प्लस ए एस, और यहां पर ए एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये आ जाता है वी सी इक्वल टू रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई टू, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी, दैट मीन्स लास्ट ऑप्शन। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर ब्रेक्स कॉज एंड डिसेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द डिस्टेंस बाय द कार ही सीज नीड टू पुट द ब्रेक ऑन इज, तो कितना पहले उसको ब्रेक लगाने का रिक्वायरमेंट होगा जबकि उसका स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर और डिसेलरेशन का रेट दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एएमयू 2016 का क्वेश्चन है। यहां पर अगर हम देखें तो उसको पहले 54 किलोमीटर पर आवर को चेंज करें मीटर पर सेकेंड में इनटू 5/18, ये आ जाता है 15 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम पहले देखें यहां पर एस वन इक्वल्स टू यू इंटू टी, तो यू इंटू डेल्टा टी, दैट मीन 15 जो वेलोसिटी था उसका और डेल्टा टी 0.2 सेकेंड में, तो ये आ जाता है 3 मीटर। देन एस टू के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि वो रुक जाता है, इट इज इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए वहां माइनस 6 है, एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई एस टू। तो यहां पर हमको मिल जाता है एस टू का वैल्यू 18.75 मीटर। तो 18.75 मीटर S2 मिला, S टोटल देखेंगे दैट विल बी S1 प्लस S2 और ये आ जाता है 21.75 मीटर, विच इज द करेक्ट आंसर सी। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ग्राफ पे बेस है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन गिवन है, अ बॉय बिगिंस टू वॉक ईस्टवर्ड अलोंग अ स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस and the graph of his displacement from home is shown in following figure, his average speed for the whole time interval. So, yahan par ye dikha raha hai ki boy pehle yahan se start karta hai t equal to 0 par, pehle 5 minute tak uska displacement hota hai, uske baad wo next 5 minute tak ruka rehta hai, is region mein wo ruka hua rehta hai, उसके बाद उसका डिस्प्लेसमेंट रिटर्न करता है और अल्टीमेटली उसका डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पर आके जीरो हो जाता है। देन फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है -20 मीटर में, और फिर ये वापस जाता है उसी पाथ पे, रिटर्न करता है 20 सेकेंड में। सो हमको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड फॉर होल टाइम इंटरवल। आइए देखते हैं सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू 5 सेकेंड कितना ट्रेवल किया है, 40 मीटर। Now, distance from 5 to 10 seconds, 0, क्योंकि वो रुका हुआ था। इसके बाद ग्राफ में पता चला है 15 to 20 second तक 20 meter चला है, और अगर total distance add करें, तो क्या आ जाता है 40 plus 0 plus 60 plus 20, and that comes as 120 meter. 120 net distance है, not displacement. Displacement होता तो अलग बात होती। तो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है 120 मीटर और टोटल टाइम लगा है 20 मिनट। 20 मिनट से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 120 डिवाइडेड बाय 6 एंड दैट कम्स एज 6 मीटर पर मिनट। सो द करेक्ट चॉइस और करेक्ट ऑप्शन दैट विल बी आंसर नंबर बी। आइए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स 2003 का। ये भी ग्राफिकल क्वेश्चन है। सो इसमें गिवन है बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। द वेरिएशन ऑफ स्पीड वी वर्सेस एस रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। तो रेस्ट से स्टार्ट किया है पहली बात, और हमको ये देखना है कि अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करे तो वी और एस ग्राफ कैसा होगा। यहां पर आप देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है, 0। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज करें तो क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गया, दैट मींस 0 प्लस twice a s। so इसके बारे में हम लोग अपने previous days में देख चुके हैं। यहां पर v में square है और हमको graph बनाना है v में और s में।
वी में स्क्वायर है, दैट मींस यहां पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता। दैट मींस आप देख सकते हैं ए और बी ऑप्शन नहीं सही है। अब वी में स्क्वायर है, जिसमें स्क्वायर होता है उसको छोड़ देते हैं, जिसकी पावर वन होती है उसको क्लोज करते हुए बनाते हैं पैराबोला। यहां पर पावर वन किसका है, एस का, एंड दैट मींस द करेक्ट चॉइस, करेक्ट आंसर विल बी डी। तो डी विल बी करेक्ट चॉइस हियर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी। नाउ यहां पर हमने एक्सप्लेन किया है कि भाई वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, यू जीरो है, लीनियर पावर वाले को क्लोज करेंगे, सो हियर डी इज गिवन एज अ करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी ग्राफिकल क्वेश्चन है और ये सीपीएमटी एएमयू एंड जेएनके एग्जाम में आया हुआ है 2010-2019-93। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ग्राफ्स रिप्रेजेंटेड एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ बॉल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। तो पहले बॉल अपवर्ड जाएगा, फिर बॉल डाउनवर्ड आएगा, हमको वीटी ग्राफ चूज करना है इसमें से कौन सा होगा। देखिए इसमें कुछ ग्राफ तो अगर आप देखें तो वैसे ही कट हो जाते हैं, इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बी ऑप्शन को देखें तो बी ऑप्शन में एक ही टाइम पर दो दो वेलोसिटी शो कर रहा है, मींस बी तो पॉसिबल ही नहीं किसी भी कंडीशन में। सिमिलरली अगर आप सी ऑप्शन को देखें तो इसमें भी एक ही टाइम पर दो दो वेलोसिटी शो कर रहा है, मतलब सी भी पॉसिबल नहीं। अब बात आती है ए और डी में, इन दोनों में से एक कोई होगा सही, आइए देखते हैं। ये तो हमने एक हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया जिससे दिख गया कि भाई दो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। आइए हम देखते हैं यहां पर। फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन रीजन वेलोसिटी डिक्रीजेस लीनियरली विद ड्यूरिंग राइज एंड नेगेटिव रीजन। तो यहां पर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट से। अगर आप ए ऑप्शन को देखें तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, डी ऑप्शन को देखें तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहां पर कोई चेंज नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। इश्यू खाली आता है जब बॉल का वेलोसिटी जीरो हो जाता है, मींस बॉल को हमने अपवर्ड थ्रो कर दिया और ये बॉल का इनिशियल में कुछ वेलोसिटी था, टॉप पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो होगा, और अगर जीरो होगा तो ये फिर वापस आएगा, और अगर रिटर्न करता है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। इट मींस ए और डी में नेगेटिव डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, डी ऑप्शन शो कर रहा है, तो डी विल बी द करेक्ट चॉइस और ए यहां पर करेक्ट नहीं होगा। बट रिमेंबर फ्रेंड्स, अगर यहां पर मॉड भी होता तो फिर ए करेक्ट हो जाता, डी गलत हो जाता, मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग तो ए करेक्ट हो सकता था। आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ है, दिस आंसर इज करेक्ट डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन 2 आवर्स टाइम, इट्स स्पीड टाइम ग्राफ ड्यूरिंग दिस मोशन एज शोन इन फिगर, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द जर्नी कैलकुलेट करना है। आप देख सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, अब हमको यहां पर इस ग्राफ से एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। हम लोगों ने प्रीवियस डेज में देखा है वीटी ग्राफ का क्या कैलकुलेट करें, स्लोप कैलकुलेट करें, टेन थीटा कैलकुलेट करें, तो हमको क्या मिल जाता है, इन दैट कंडीशन एक्सेलरेशन मिल जाता है। आइए देखते हैं इस ग्राफ में ही, अगर हम इस पार्ट का स्लोप देखें तो tan थीटा इक्वल्स टू इस पार्ट में, दैट मींस ए बी पार्ट में अगर हम देखेंगे तो tan थीटा एंड दैट कम्स एज परपेंडिकुलर कितना होगा 20 एंड दिस डिवाइडेड बाय 0.25। चलिए ये तो हो गया tan थीटा ए बी पार्ट के लिए, बी सी पार्ट में स्लोप जीरो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अब हम बात करते हैं सी डी पार्ट के लिए, सी डी पार्ट के लिए अगर हम देखें तो सी डी वाले पार्ट में क्या बन जाता है, tan थीटा डैश। सो यहां पर नेक्स्ट CD पार्ट में देखें तो परपेंडिकुलर हो जाता है 40 एंड दिस ऑल डिवाइडेड बाय, जो टाइम देखें तो टाइम लग रहा है 0.75 से 1, मींस अगेन दिस इज 0.25। सो CD पार्ट में हमने देख लिया, उसने कहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, हालांकि DE पार्ट में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन की वैल्यू अगर हम देखें तो 0.75 से 2 तक गया है। इस पार्ट का अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें तो इस पार्ट का स्लोप क्या मिल जाएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 60 एंड दिस ऑल डिवाइडेड बाय हियर 1 से लेकर के 2 तक गया है, मींस 1। तो हम यहां पर अब कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम स्लोप कहां पर होगा, तो मैक्सिमम स्लोप हम देख सकते हैं 60 - 20 डिवाइडेड बाय 0.25, मतलब 160 किलोमीटर पर आर स्क्वायर एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर बी। नाउ फ्रेंड्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है
A body is released from the top of a tower, capital H meter high. It takes small t second to reach the ground. And where is the body after t by 2 second of the release? So AIIMS 2000 का क्वेश्चन है. आइए देखते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं H equal to ut plus half gt square. H equal to ut में u तो जीरो था, ड्रॉप किया जा रहा है, तो H आ जाता है half gt square. अब H1 हम हाइट एज्यूम कर लेते हैं t by 2 सेकेंड के बाद में. सो डिस्टेंस कितना फॉल करेगा, दैट विल बी H माइनस H1. आइए देखते हैं यहां पर H माइनस H1 एंड दैट विल बी हाफ g और हाफ टाइम था t by 2 होल स्क्वायर. सो H माइनस H1 आ जाता है 1 by 8 gt स्क्वायर. दोनों को डिवाइड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को. यहां से हमको बन जाएगा H माइनस H1 डिवाइडेड बाय H एंड दैट कम्स एज 1 by 4. तो यहां से आ जाता है H1 will be equal to 3 by 4 H and that will be the correct answer A. So for this question, correct choice will be A. Now move to the next question that is also from AIIMS. Question क्या given है? A body is projected vertically up with velocity u and after some time it returns to the starting point. Average speed and average velocity calculate करनी है. Guys, average velocity, body को हमने यहां से throw कर दिया. अब अगर बॉडी को यहां से थ्रो कर दिया सम स्पीड u, तो आप देखेंगे कि यहां पर कहीं पहुंचकर, टॉप पर पहुंचकर बॉडी का यहां पर वेलोसिटी हो जाता है जीरो. यहां पर वेलोसिटी अगर जीरो हो जाता है और फिर ये वापस लौटता है, इसका मीनिंग ये हो गया हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी. अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो आप समझ सकते हैं इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जब ये इसी पॉइंट पे आ जाएगा क्या हो जाएगा गाइस, जीरो. टोटल डिस्प्लेसमेंट तो इसका जीरो हो गया. अब टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इट मींस आप देख सकते हैं ए ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग है. इसके बाद आप डी ऑप्शन पे फोकस करें, वो भी नहीं हो सकता. अब बचे हमारे पास बी और सी ऑप्शन. बी और सी ऑप्शन बचे हैं, तो चलिए अगर आप ध्यान से देखो तो जितने टाइम में बॉल ऊपर गया है उतने ही टाइम में बॉल नीचे आया. सेम टाइम वाला कॉन्सेप्ट तो याद होगा आपको. तो सेम टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेम टाइम के लिए क्या यूज करते हैं कॉन्सेप्ट, सेम टाइम के लिए हम लोग करते हैं v1 प्लस v2 by 2. याद है ना, st हम लोगों ने प्रीवियस डे में डिस्कस कर रखा है डे वन में. सो st सेम टाइम के लिए v1 प्लस v2 by 2. यहां v1 क्या है अगर ये देखें, सो यहां पर सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि u वेलोसिटी से बॉल को प्रोजेक्ट किया है, इसने दो चीजें पूछी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. अब ऑप्शन को अगर बी और सी को नजर डालें तो सी में है एवरेज स्पीड भी जीरो एंड विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल किया है. इट मींस करेक्ट ऑप्शन तो बी हो जाता है. ये एक स्मार्ट मेथड हो गया, एक हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया, लेकिन हम फिर भी इसको सॉल्व करते हैं डिटेल में. एवरेज वेलोसिटी इज जीरो एज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल हाइट जितना गया है एच और उतना ही हाइट आया है, मींस कैपिटल एच मैक्स. तो टू u square by 2g divided by 2u by g और ये आ जाता है u by 2. So the correct answer of this question will be B. Now move to the next question. Next question में है, a ball is dropped from a top of a building 100 meter high. Simultaneously another ball is thrown upward from bottom of a building which such a velocity, with such a velocity that balls collide exactly midway. What is the speed in meter per second which the second ball is thrown? यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट बॉल टाइम टू रीच द मिड पॉइंट. फर्स्ट बॉल के लिए कितना टाइम लगेगा क्योंकि मिड पॉइंट पे ही एग्जैक्टली वो कोलाइड कर रहे हैं. सो एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर से टी आ गया रूट टू एच बाई जी और ये आ जाता है रूट 10 सेकेंड. आइए इसके बाद देखते हैं एच बाई टू, टोटल हाइट था 100 मीन्स ये 50 मीटर ट्रेवल करना है. सो यहां पर हम कह सकते हैं फॉर सेकेंड बॉल मिनिमम स्पीड नीडेड एट द बॉटम टू रीच द मिड वे एट द सेम टाइम इज अंडर रूट ऑफ 10. Now we can say the v equal to 0 हो जाएगा top point पे पहुंच के, v equal to u minus g t, t हो गया root 10 और यहां से u आ जाता है 10 root 10 और values अगर आप root 10 का रखेंगे तो ये आ जाएगा यहां पर 31.6 meter per second. That will be the correct answer A. Now move to the next question. ये बहुत simple question है. ये given है body has a displacement 12 meter towards east, 5 meter towards north and finally 6 meter vertically upward. हमको calculate करना है ये total displacement. अब ये question करने के लिए सबसे पहले हमको unit vector सबसे best choice होता है. तो यहां पर हम देख सकते हैं S1,
ईस्ट डायरेक्शन मतलब 12 i कैप, देन नॉर्थ डायरेक्शन जे कैप, और वर्टिकली अपवर्ड मतलब 6 k कैप, 12 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 6 k कैप, और यह आ जाता है रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट कम्स एज आर इक्वल टू 14.31 मीटर. तो 14.31 मीटर, दैट विल बी द करेक्ट आंसर सी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवेन, अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, और फिर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, और ये कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड में, और वाई ट्रेवल करता है नेक्स्ट 2 सेकेंड. तो वाई और एक्स में रिलेशन पूछ रहा है क्या होगा. तो यहां पर हम कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड, तो एक्स इक्वल टू हाफ ए, और टी को हमने 2 रख दिया, ये आ जाता है 2a. नेक्स्ट, अगर हम डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 2 सेकेंड निकालते हैं, तो सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू, टोटल अगर हम ऐड करें तो यहां पर आएगा x प्लस वाई, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ a, एंड टोटल टाइम क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर. तो ये इसके बाद y क्या होगा, इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हाफ a 2 स्क्वायर, तो ये आ जाता है 6 a. अब क्लियरली देख सकते हैं x और y में रिलेशन 1:3 का है, मतलब y इक्वल टू 3x होगा. So the correct answer will be A. Correct choice is given by option A. अब हम लोग ये देख रहे हैं सारे questions में वही basic fundamental information use हो रहा है जो हम लोग already day 1 और day 2 में पढ़ चुके हैं. So the correct answer of this question is given by A. Now move to the next question. इसमें given है body start from rest with uniform acceleration, velocity after n second is v, then displacement in last 2 seconds. लास्ट 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, एन के टर्म्स में ऑप्शन दिए हुए हैं. आइए सबसे पहले हम देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एन सेकेंड में v इक्वल टू u प्लस at, a यहां से आ जाता है v बाई n, सिमिलरली s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, तो sn इक्वल टू हाफ an स्क्वायर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 2 सेकेंड में अगर आप देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ an माइनस 2 होल स्क्वायर. इसका मतलब है sn में से n में से n माइनस 2 को माइनस कर देंगे तो अल्टीमेटली हमको आ जाता है a बाई 2 ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 होल स्क्वायर. इसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a प्लस b a माइनस b, फॉर्मूला मैथ्स का बेसिक फॉर्मूला लगता है. सॉल्व करने के बाद में 2a ब्रैकेट में n माइनस 1, a को हम लोग b बाई n ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो a की जगह पे v बाई n रख दें और ये आंसर आ जाता है 2b इन ब्रैकेट एन माइनस 1 अपॉन होल एन. इट मींस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल विद द स्पीड ऑफ 4.5 मीटर पर सेकेंड एंड 7.5 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है. गाइज हम लोग इसके बारे में भी, एवरेज स्पीड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप डे 1 में जाके देख सकते हैं. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन में आधा डिस्टेंस कवर करता है. लेट अस एज्यूम ये हमको गिवन है, दिस इज पॉइंट ए, और यहां पर हाफ डिस्टेंस कवर करता है 3 मीटर पर सेकेंड से. इसके बाद कहता है कि नेक्स्ट जो हाफ डिस्टेंस है उसमें 2 इक्वल टाइम इंटरवल है. इसका मीनिंग है ये अगर हम यहां से यहां का L बोलें और यहां से यहां का L बोलें तो नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो टाइम इक्वल है, ये टाइम और ये टाइम इक्वल है, और इसको कवर कर रहा है 4.5 मीटर पर सेकेंड से, और इसको कवर कर रहा है 7.5 मीटर पर सेकेंड से. चलिए अब देखते हैं, हम लोग के पास 2 केस थे, याद होगा आपको, आपने पढ़ा होगा अच्छे से. एक तो था एसटी, एक था एसजी. अगर आप देखो ध्यान से तो ये वाला पोर्शन है हमारा एसटी. एसटी का मतलब सेम टाइम. सेम टाइम में अगर आप देखें तो यहां पर ये बन जाता है 4.5 मीटर पर सेकेंड प्लस 7.5 मीटर पर सेकेंड, मींस ये हो जाएगा v1 प्लस v2 मींस 7.5 एंड दिस ऑल डिवाइडेड बाय 2, v1 प्लस v2 बाय 2, तो ये कितना हो जाता है 12/2, मींस ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड. इसके बाद अगर आप जो लार्जर पार्ट है इसको और इसको देखें तो ये क्या हो जाता है एसजी. एसजी का मतलब ओवरऑल जो एवरेज स्पीड होगा
and that will be 2 V1 V2 by V1 plus V2. So 2 V1 suppose humko given a 3 और V2 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 6 divided by V1 plus V2 और ये आ जाता है सिंपली यहां पर ये बन जाएगा 36 divided by 9. करेक्ट आंसर हियर दैट विल कम्स एज 4 meter per second एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर ए. तो करेक्ट आंसर इज गिवन बाय ए. So now move to the next question. Next question यहां पर given है, when a ball is throw up vertically with velocity V naught, it reaches a maximum height of h. One wishes to triple the maximum height, then ball should be thrown with velocity. So अगर कोई 3 times speed से फेंकना चाहता है, तो ये अगर कोई triple height तक फेंकना चाहता है, तो उसको कितना velocity देना पड़ेगा? आइए देखते हैं इसको. V square हमको मालूम है, U square minus 2gh. इनिशियल वेलोसिटी क्लियरली क्योंकि v जीरो हो जाएगा टॉप पे पहुंचने पे, तो u स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू h हो गया. अगर u स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू h है मतलब u1 by u2 equals to h1 by h2 हो गया. इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है अगर और बाद में हम u2 लेते हैं तो h by 3h, इसका मतलब जो u2 होगा वो कितना हो जाएगा √3 times ऑफ v नॉट. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट कम्स एस ए. Now move to the next question. और ये question given है, a car start from rest moves with a uniform acceleration A, then decelerate at a constant rate B for some time, comes to rest if the total time taken as T, then the maximum velocity of the car is given by. अब अगर यहां पर आप देखें तो एक VT graph हम यहां पर बना लेते हैं. सबसे easy VT graph बनाते हैं, तो यहां पर सबसे पहले देखें तो ये है इसका मैक्सिमम वेलोसिटी v, एज्यूम कर लेते हैं. कह रहा कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए एंड देन डिसेलरेट एट द कांस्टेंट रेट बी फॉर सम टाइम एंड कम्स टू रेस्ट इफ टोटल टाइम टेकन इज टी. टोटल टाइम टी है तो हम किसी को एज्यूम कर लेते हैं भाई ये वाला टाइम ले लेते हैं t1 और ये वाला टाइम फिर क्या हो जाएगा t2 एंड t1 plus t2 इज व्हाट t1 plus t2 इज गिवन बाय t. चलिए सबसे पहले देखते हैं VT ग्राफ है तो अगर हम इसका स्लोप कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन. वेल एक्सेलरेशन गिवन है यहां पर A. चलिए देखते हैं स्लोप इसका क्या आएगा. V मैक्सिमम tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ये हुआ बेस ये हुआ तो V मैक्सिमम को V ले लिया एंड दिस डिवाइडेड बाय क्या हो गया यहां पर T1 और ये किसके इक्वल होगा A के. देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो V मैक्सिमम V और डिवाइडेड बाय क्या हो गया T2 और ये क्या बन रहा है ये इक्वलेंट टू बी है. इसका मतलब T1 एंड दैट कम्स एज वी बाई ए और फिर T2 अगर देखें तो T2 आ जाता है यहां से वी बाई बी. अब T1 प्लस T2 क्या दिया हुआ है हमको T. इसका मतलब वी बाई ए प्लस वी बाई बी और ये आता है इक्वल टू T. अब यहां पर हमको v मैक्सिमम निकालना था एलसीएम ले लेते हैं ए बी एलसीएम लेंगे तो हमको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा यहां पर t के टर्म्स में दैट विल बी ए बी टी अपॉन ए प्लस बी एंड दैट विल बी द करेक्ट चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था. ग्राफ अगर आप यूज करते हैं तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड और इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोगों ने day 1 day 2 में डिस्कस किए हैं. This is the best application of the graph. So now this is end of day 3 of one dimensional motion. हम लोगों ने देखे आज questions को बहुत short trick से भी कर लिया. Standard question जितने थे वो भी किए जो different type के exam NEET, BHU, AMU, AIIMS या JEE mains के भी questions कुछ लिए हैं. So chapter easy है. बट आपको जो पहले 2 डे है उन पे कंट्रोल करना पड़ेगा. अगर आप वो 2 डे कमांड कर लेते उनमें उन 2 डेज का आपको एक एक स्लाइड का आइडिया है एक एक पॉइंट वहां पर क्लियर है तो ये सारे क्वेश्चन या इससे भी ऊपर लेवल के क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगेंगे. तो दिस इज एंड ऑफ day 3 1D या और 1 डायमेंशनल मोशन.